student, I am Dr. Irfan Aziz. My channel name is ICT Pharma Education. Subscribe करें, like करें and share करें. इससे पहले वाली वीडियो में जो डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मास्यूटिक्स 1, आज जो डिस्कस करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन 2019 क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 2019. लेट स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2019. एनुअल एग्जामिनेशन जनरली बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जून में होता है और इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली पढ़ लीजिए. आंसर एनी 5 क्वेश्चंस. ऑल क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स. 16 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं. मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स होता है. और स्टूडेंट को एक एडवाइस देना चाहेंगे कि इसमें पेपर हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है. और उसमें आपको जो इंग्लिश का जो क्रम है वही आपका फाइनल क्रम होता है. द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. सलाइन कैथार्टिक, एसिडिफाइंग एजेंट एंड एसिड. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल यूजेस एंड केमिकल इनकम्पेटिबल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम नाइट्राइड. इसमें आपके 5 कंपाउंड हैं, इसमें से 4 के बारे में लिखना होगा. हर एक का 4 मार्क्स होगा तो यानी 16 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 प्रोटेक्टिव डेंटल प्रोडक्ट इनहेलेंट. क्वेश्चन नंबर 4 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, एलम बोरिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2. 3 दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 को ब्रीफ में बताना है. एंटीडोट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस. क्वेश्चन नंबर 6 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जीएम काउंटर, जीएम काउंटर, हैवी मेटल, सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन, रेडियो आइसोटोप. क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब ब्रीफली लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इन सल्फेट. 7B इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैटायन एंड एनायन एज पर इंडियन फार्माकोपिया. क्वेश्चन नंबर 8 राइट इंफॉर्मेटिव नोट्स ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग. 8B इज सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स. हिंदी अनुवाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 का ये हिंदी अनुवाद है. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. और जैसे आपको पहले ही सलाह दे चुके हैं, सलाह दी जाती है कि हिंदी अनुवाद में किसी प्रकार की हिंदी अनुवाद के पेपर में किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर दें. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की व्याख्या कीजिए. सलाइन कैथार्टिक, एसिडिफाइंग एजेंट एंड एंटासिड. क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों, औषधि उपयोगों फार्मास्यूटिकल यूज तथा रासायनिक असंयोजकताओं का वर्णन कीजिए. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्राइड. क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें. प्रोटेक्टिव डेंटल प्रोडक्ट इनहेलेंट. क्वेश्चन नंबर 4, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें.
कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, एलम एंड बोरिक एसिड, चारों के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, संक्षेप में टिप्पणी लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं दो को दो की संक्षेप में व्याख्या करिए। एंटीडोट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, प्रति स्थापन चिकित्सा विधि के इलेक्ट्रोलाइट, फिजियोलॉजी एसिड बेस बैलेंस, अम्ल व क्षार, अम्ल एसिड क्षार बेस संतुलन की क्रिया विधि। प्रश्न 6, क्वेश्चन 6, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीएम काउंटर, हैवी मेटल, सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन एंड रेडियो आइसोटोप। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोराइड और सल्फेट का सीमा परीक्षण यानी लिमिट टेस्ट लिखना है। भारतीय फार्माकोपिया के अनुसार कैटायन, धनायन, ऋणायन, एनायन की पहचान परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 8, सूचनात्मक टिप्पणी लिखें। औषधि के गुणात्मक नियंत्रक क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग का इम्पोर्टेंस लिखने का महत्व। 8B इज भेजी के पदार्थों में अशुद्धियों के सोर्स, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल के सोर्स के बारे में लिखना है। ये ओवरऑल आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।